आइए सर, अब मैं आपको अपने ट्रैक्टर की विशेषताओं के बारे में बताता हूँ। सर बहुत ही आकर्षक, सुंदर और प्रभावशाली दिखता है ट्रैक्टर। सर ये देखिए, ये है हैवी ड्यूटी फ्रंट वेट कैरियर। सर इससे ट्रैक्टर को मिलती है बेहतर स्टेबिलिटी, जिसके कारण ट्रैक्टर के आगे से उठने की संभावनाएं कम हो जाती है। सर इसकी खूबसूरती देखिए सर, चमक देखिए सर, सर कैसा लग रहा है। सर इसमें CED पेंट का इस्तेमाल किया गया है। सर इसकी चमक जो है सालों साल तक बरकरार रहती है, ऐसी नया का नया। सर ये देखिए, ये है हैलोजन बल्ब। सर इसमें एक तो बहुत रोशनी होती है और दूर तक बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आइए सर, अब आपको और विशेषताएं बताता हूँ। सर यह है 8 इंच बड़ा ड्राई एयर क्लीनर। सर ये हवा से डस्ट को बाहर निकालकर इंजन में शुद्ध हवा पहुंचाता है, जिससे इंजन की लाइफ बढ़ जाती है। आइए सर, अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। सर ये है हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल सपोर्ट माउंटिंग पॉइंट के साथ। सर इसमें कास्ट आयरन का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ट्रैक्टर के आगे से उठने की संभावनाएं ना के बराबर हो जाती हैं। सर सर ये देखिए, ये है एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल। सर इसके जरिए आप अपनी खेती की जरूरत के हिसाब से एक्सल की चौड़ाई को कम या ज्यादा कर सकते हैं। सर ये देखिए, ये है स्क्वायर स्पिंडल। सर इसमें उच्च क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, सर जिसके कारण इसको मिलती है बेहतर ग्रिप और फेलियर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सर ये देखिए, सर ये है कास्ट आयरन ऑयल सम। सर इसके जरिए उबड़ खाबड़ रास्तों पर ट्रैक्टर के निचले हिस्से को सुरक्षा मिलती है। सर ये देखिए, पॉलीफाइबर फ्यूल टैंक। आप लंबे समय तक काम कर सके इसलिए इसमें दी हुई है 62 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी। पॉलीफाइबर मटेरियल होने की वजह से इसमें गर्माहट नहीं होती और भाप भी नहीं बनती, और भाप ना बनने की वजह से इसमें जंग भी नहीं लगता, तो सर इंजन और पंप की लाइफ लंबी हो जाती है। सर ये देखिए, ये है 12+3 UG फुली कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स हाई लो मीडियम गियर रेंज के साथ। सर इसमें आपको मिलती है 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स स्पीड, जिसके उपयोग से ज्यादा और बेहतर काम किया जा सकता है। आइए सर, सर यह है 5 पैड वाला डबल क्लच। सर इसमें उच्च क्वालिटी के नॉन एस्बेस्टोस लाइनिंग का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इसकी लाइफ को बहुत बढ़ा देता है। सर यह है न्यूट्रल सेफ्टी स्विच। सर जब तक आपका गियर लीवर न्यूट्रल नहीं होगा, तब तक आपका ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा सर, जिससे दुर्घटना होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। सर देखिए, यह है GS PTO और 540 PTO। सर इसके उपयोग से पीटीओ की अलग अलग गति मिलती है, जो कि रोटावेटर और रीपर जैसे कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। सर ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके चौड़े मडगार्ड हैं। मान लीजिए आपका साथी कोई बैठा है तो उसको बैठने पर बहुत ही आरामदायक सीट मिलेगी, और फेंडर रेल के जरिए आप उसको मजबूती से पकड़ सकते हैं। सर ये देखिए, ये है लिफ्टोमैटिक हाइट लिमिटर के साथ। सर इसके इस्तेमाल से खेती में एक समान गहराई मिलती है, और जिसकी वजह से फसल की पैदावार में वृद्धि होती है। सर यह है 7-पिन ट्रेलर सॉकेट। सर इसके जरिए आप ट्रॉली के इलेक्ट्रिक कनेक्शन को आसानी से जोड़ सकते हैं, जो रात के समय दुर्घटना से भी बचाव करता है। सर देखिए, सर ये हमारा स्टैंडर्ड फीचर है हैवी ड्यूटी एडजस्टेबल टो हुक। इसके द्वारा आप भारी से भारी वजन को खींच सकते हैं और ट्रैक्टर के आगे से उठने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। सर ये देखिए, यह है इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच लीवर। सर इसके उपयोग से पीटीओ को इंगेज और डिसएंगेज करना बहुत आसान हो जाता है सर, जो कि बेलर और कंबाइन हार्वेस्टर के कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। सर ये देखिए, सर यह है एडिशनल पीटीओ टॉप शाफ्ट। सर इसमें आपको हायर RPM मिलते हैं, जिसका उपयोग आप लोडर और डोजर के कार्यों में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सर सर यह है टिपिंग ट्रॉली पाइप। सर इसके जरिए आप ट्रॉली को आसानी से जोड़ सकते हैं, और ट्रॉली को अप डाउन करने में आपको अच्छा नियंत्रण मिलता है। सर ये देखिए, यह है एल्यूमिनियम रेडिएटर एक्स्ट्रा कूलेंट के साथ, जो इसको देता है जंग से सुरक्षा, जिसकी वजह से इसकी लाइफ बढ़ जाती है। न्यू हॉलैंड 3630 को बल प्रदान करता है इसका TRUM 3A इंजन। अपनी ताकत और कम तेल खपत के कारण ये ट्रैक्टर पूरे भारत वर्ष में प्रसिद्ध है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सर, ये है रोटरी FIP।
सर, रोटरी डीजल पंप के द्वारा सभी सिलेंडरों में बराबर मात्रा में तेल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सर, जिससे तेल की खपत बहुत कम हो जाती है। सर, इसमें लगा है वाटर सेपरेटर। फ्यूल में जरा सी मात्रा पानी की हो तो वाटर सेपरेटर के जरिए उसको अलग कर दिया जाता है। सर, वाटर सेपरेटर के बाद फ्यूल जाता है ड्यूल स्पिन ऑन फिल्टर में, यानी कि दो स्टेज पर जब फ्यूल फिल्टर होकर इंजन में पहुंचता है तो उसकी वजह से इंजन और पंप की लाइफ बढ़ जाती है। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए सर, मैं आपको मिलते हैं तेल में डूबे हुए शक्तिशाली डिस्क ब्रेक। सर, तेल में डूबे होने की वजह से इसकी लाइफ बढ़ जाती है और मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ही कम। आइए सर, अब आपको और विशेषताएं बताता हूं। आइए सर, इधर आइए सर। जी प्लीज। सर देखा कितनी आरामदायक सीट है, और आपने देखा होगा नीचे कंजेस्टेड नहीं है बिल्कुल, पूरा खुला खुला है। नहीं बिल्कुल। तो कैसा महसूस हो रहा सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सर ये देखिए, ये है एंटी ग्लेयर रियर व्यू मिरर सर, जिससे शीशे पर रिफ्लेक्शन नहीं आता और आंखों पर चोट नहीं पड़ती। सर, इस ट्रैक्टर की प्रमुख विशेषता है इसका पावर स्टीयरिंग। सर, पावर स्टीयरिंग होने की वजह से आप अपने ट्रैक्टर को छोटे से छोटे मोड़ पर भी आरामदायक तरीके से मोड़ सकते हैं। सर ये देखिए, ये है हैवी ड्यूटी कांस्टेंट मैश साइड शिफ्ट गियर बॉक्स। साइड शिफ्ट होने की वजह से गियर लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। सर, दूसरा फायदा यह है कि चालक को ओपन स्पेस मिलता है। सर, यह सेंसिटिविटी वॉल्व 24 सेंसिंग पोजीशन के साथ, इसके जरिए अपनी सोइल कंडीशन के हिसाब से आप अपनी इंप्लीमेंट की सेंसिंग कंट्रोल कर सकते हैं। सर देखिए, ये है DRC वॉल्व, यानी ड्रॉप रेट कंट्रोल वॉल्व। इसके जरिए इंप्लीमेंट के नीचे जाने वाली गति को कंट्रोल किया जाता है, और सर इसके जरिए इंप्लीमेंट को कहीं भी लाने ले जाने में बहुत ही आसानी होती है। सर देखिए, ये आइसोलेटर वॉल्व है। सर, इसके उपयोग से हाइड्रोलिक लिफ्ट को लॉक किया जा सकता है, और इसके इस्तेमाल से ट्रॉली का उपयोग सुरक्षित और आसान हो जाता है। सर देखिए, यह है डिफरेंशियल लॉक। सर, मान लीजिए जैसे आप उबड़ खाबड़ रास्तों पर ट्रैक्टर को लेकर जा रहे हैं, वहां पर ट्रैक्टर अगर किसी गड्ढे में फंस जाता है तो ऐसे वक्त में डिफरेंशियल लॉक बहुत काम आता है। सर इस लॉक की सहायता से आप बड़ी ही आसानी से ट्रैक्टर को बाहर निकाल सकते हैं। सर,